आप अंग्रेजी बोल सकते हैं और कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है, लेकिन सवाल यहाँ किसी और का नहीं, सिर्फ आपका है। जी हाँ, आपका। इसलिए मैंने कहा आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। अंग्रेजी की यह वीडियो आपके हाथ में है, अब आपको अंग्रेजी बोलने के लिए कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अंग्रेजी बोल सकने के लिए आपकी उम्र, आपका तजुर्बा, आपका वजन, आपकी लंबाई, आप किस जगह के रहवासी हैं, इससे इसका कोई संबंध नहीं। बस यह बात तो बिल्कुल तय है कि आप अब अंग्रेजी बोल पाएंगे। अब अंग्रेजी बोलने के लिए आपको बिल्कुल भी मुश्किलों का सामना करने की आवश्यकता नहीं। अंग्रेजी में पहुंचने के लिए यह वीडियो एक मार्ग है। बस सवाल तो यह है इस मार्ग में चलने के लिए, और मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं कि आपको इस मार्ग पर चलना है या आप इस मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि यह वीडियो अभी आपके सामने है। यही इसका प्रमाण है कि आप अंग्रेजी सीखने के लिए जुनून तक तैयार हैं, बस आपको चलने की देर है। जल्दी आप देखेंगे कि अंग्रेजी सीखना कितना आसान है, लेकिन अंग्रेजी सीखने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को आपको जानना जरूरी है। जो शब्द को आपको इस्तेमाल करना है अंग्रेजी का, उसका ज्ञान आपका बहुत होना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर कुछ फंडामेंटल बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको गौर से सुनना है और उसको आपको याद करके समझ के उसको आपको बोलने में आपको उसका प्रयोग करना है। कुछ फंडामेंटल शब्द आपको ध्यान रखना है, जैसे आई। जब मैं अपने बारे में बात करता हूँ अंग्रेजी में उसे आई कहा जाता है। सामने वाले व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं उसे यू कहा जाता है। यू यहाँ पर एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर सामने कोई एक व्यक्ति खड़ा है तो भी मैं उससे यू करके बात करूँगा, और अगर बहुत सारे लोग खड़े हैं तो भी मैं उनसे यू करके बात कर सकता हूँ। इसके अलावा एक और तीसरा शब्द हमको ध्यान रखना है, हम या हमें, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं वी। इसके अलावा जब हम लोग बहुत सारे लोगों के बारे में बात करते हैं, जो लोग कहीं दूर होते हैं, जब हम दूसरे व्यक्ति के साथ उनके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो इंग्लिश में उसे कहा जाता है दे। उसी प्रकार एक वचन में हम लोग जब, मैं और आप जब तीसरे किसी व्यक्ति, जो लड़का है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम उसे इंग्लिश में ही कहते हैं। उसी प्रकार लड़की को हम शी कहते हैं। अंग्रेजी को तीन काल खंडों में बांटा गया है। पहला है वर्तमान काल, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। दूसरा है भूतकाल, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पास्ट टेंस। और तीसरा होता है भविष्यकाल, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूचर टेंस। अब हमको आपको मैं पहले अगर एक फॉर्मूला अगर मैं समझा दूँ यहाँ पर, तो सारे कालों में वह पूरे अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है। आपको ध्यान से उसे समझना है। पहले हम आ रहे हैं वर्तमान काल में, जो कि है प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल को फिर से चार भागों में बांटा गया है। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है जो आपको इस्तेमाल करना है वह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर उसके उदाहरण में आपको समझाऊं तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं लाइन्स कहते जा रहा हूं हिंदी में, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, तुम देखते हो, वे देखते हैं, वह आता है, वह जाता है, वह काम करती है, वह रोती है, वह हंसती है, वह सोती है। इन शब्दों में आपने ध्यान दिया होगा आखिरी में ता ते ती आ रहा है, और यह शब्द क्या है? हमारे आदत में शुमार है, जो हम पहले भी क्या करते थे, जो अभी भी करते हैं, जो आगे भी करते रहेंगे। इस प्रकार की बात जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग करते हैं, यानी कि सामान्य वर्तमान काल में करते हैं। इसमें आपको कुछ खास सहायक वर्ब क्रियाओं का ध्यान रखना है, जो आपको इस्तेमाल करना है सवाल करने पर और जवाब देने पर। जब हम बात कर रहे होते हैं बहुवचन के बारे में, तो सहायक क्रिया डू का इस्तेमाल हमको करना है। इस प्रकार जब हम एक वचन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो सहायक क्रिया डस के बारे में हमको बात करना होता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक एक करके पूरे तीनों टेंस को बताते जाऊँगा मैं, और ये चार भागों में जो बांटा गया उसको भी समझाऊँगा मैं। ये समझाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे छात्रों ने जो अंग्रेजी सीखा है उसका उन्होंने किस प्रकार उपयोग किया, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा।
पहले हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर डू और डस सहायक क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम सवाल करते हैं ए बहुवचन में तो हमको डू का प्रयोग किया जाता है, और सामने वाले व्यक्ति को मैंने बताया आपको यू कहते हैं। तो जब हम सवाल करते हैं यहाँ पर डू का प्रयोग करने के अलावा क्रिया का हमेशा प्रथम रूप प्रयोग किया जाता है। अब क्रिया का रूप प्रयोग करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि क्रिया को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं उसको आपको याद होना ज़रूरी है। इसका लिस्ट आपको बाद में दिया जाएगा। अगर आपको सवाल करना है सामने वाले व्यक्ति के साथ, सामने वाला व्यक्ति है डू, तो आपको सवाल किस प्रकार करना है देखते हैं ध्यान से। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? सामने वाला आपको जवाब देता है हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यस आई प्ले क्रिकेट। सामने वाला जब नकारात्मक जवाब देता है नो आई डोंट प्ले क्रिकेट बट आई प्ले फुटबॉल, नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेलता लेकिन मैं फुटबॉल खेलता हूँ। सामने वाला जब चौथा जवाब देता है नकारात्मक सवाल के रूप में, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता, डोंट आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पर डोंट क्या है, डोंट डू में जब हम नॉट लगाते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में उसे डोंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जवाब या तो हाँ में देना या ना में देना है परिस्थिति के अनुसार। हमने यहाँ दोनों सवाल के जवाबों का तैयार हमने कर दिया है, आपके ऊपर आप कैसे जवाब दे रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा डू यू प्ले क्रिकेट, यहाँ पर आपको बहुवचन में यू हटा के बस वी लगाना है और वी हटा के दे लगाना है, तो आसानी से आप ये लाइन्स पूरे आसानी तरीके से कह सकते हैं। जैसे डू वी प्ले क्रिकेट, यस वी प्ले क्रिकेट, नो वी डोंट प्ले क्रिकेट बट वी प्ले फुटबॉल, डोंट वी प्ले क्रिकेट। उसी प्रकार डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, यस दे प्ले क्रिकेट, हाँ वे क्रिकेट खेलते हैं, नो दे डोंट प्ले क्रिकेट बट दे प्ले फुटबॉल, डोंट दे प्ले क्रिकेट। इसमें आपने देखा कि हमने क्रिया का प्रथम रूप जो है प्ले, हमने उसका प्रयोग किया। इसके अलावा दे के साथ डू का प्रयोग किया हमने, वी के साथ भी डू का प्रयोग किया। लेकिन अगर हम एक वचन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर आपको क्रिया का इस्तेमाल करना है डज। तो सवाल आप इस प्रकार करेंगे, क्या वह क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्रिया का प्रथम रूप हमने फिर से प्रयोग किया। लेकिन उत्तर देने में आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे उत्तर है यहाँ पर यस ही प्लेस क्रिकेट, क्योंकि जब हम एक वचन के बारे में बात कर रहे हैं तो क्रिया में हमको एस या फिर ई एस लगाना जरूरी है। यस ही प्लेस क्रिकेट, हाँ वह क्रिकेट खेलता है। नो ही डजेंट प्ले क्रिकेट, नहीं वह क्रिकेट नहीं खेलता है। बट ही प्लेस फुटबॉल, नहीं वह क्रिकेट नहीं खेलता लेकिन वह फुटबॉल खेलता है। चौथा डजेंट ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता। तो जब जब आप डज का प्रयोग करते हैं क्रिया से एस या ई एस हटाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप डज हटा देते हैं तो आपको वहाँ पर क्रिया में एस लगाना पड़ता है। उसी प्रकार जब हम लड़की के बारे में बात करते हैं तो हमको शी का प्रयोग करना है। जैसे डज शी कुक फूड, क्या वह खाना पकाती है, यस शी कुक्स फूड, हाँ वह खाना पकाती है। आपने फिर देखा हमने क्रिया में एस लगाया। और तीसरा आपका जवाब नो शी डजंट कुक फूड बट शी कुक्स वेजिटेबल्स, नहीं वह खाना नहीं बनाती लेकिन वह सब्जी बनाती है। डजंट शी कुक फूड। फिर आपने देखा जब हमने डज का प्रयोग किया तो हमने कुक से एस हटा दिया। तो आपको ध्यान रखना है एक वचन में जब आपको सवाल करना है डज का प्रयोग करना है, और बहुवचन में आपको डू का प्रयोग करना है। लेकिन उत्तर में आपको एक वचन के समय में क्रिया में एस लगाना है। अगर आपको यह बात अच्छे से समझ में आ जाती है तो आपको आगे जाके मॉडल में कोई भी समस्या नहीं होगी। अब समय आया है आपको फॉर्मूला नोट करने का। फॉर्मूला बनता है यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर एक बार आप अच्छा ध्यान से समझना है, क्योंकि बार बार हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जैसे शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। सब्जेक्ट से हम यह समझते हैं हिंदी में जिसे कर्ता कहते हैं, जो भी व्यक्ति काम कर रहा होता है वह सजीव वस्तु भी हो सकती है, निर्जीव वस्तु भी हो सकती है। जैसे जो व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे मैं, आप, तुम, वह, राम, श्याम, सीता, भाई, बहन, ये सारे लोग जब भी काम कर रहे होते हैं तो ये सब्जेक्ट कहलाते हैं। और जिसमें काम हो रहा होता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे क्रिकेट, फूड, चेयर, ये सारी चीज़ें जो है ऑब्जेक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमने पहला फॉर्मूला यूज़ किया है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको वर्ब का प्रथम प्रयोग करना है, प्रथम रूप प्रयोग करना है, और उसके बाद तुरंत आता है ऑब्जेक्ट। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस के दूसरे टॉपिक पे, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब भी आप कोई क्रिया जो कि गतिशील या जारी अवस्था में होती है आपको बताना होता है तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसमें आपको क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगाना ज़रूरी है।
सहायक क्रिया के रूप में आपको बहुवचन में आर का प्रयोग करना होता है और एक वचन में आपको इस का प्रयोग करना होता है, और साथ ही क्रिया के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यू वी दे हमने कहा है बहुवचन में आते हैं, तो सवाल कुछ इस प्रकार करेंगे आप, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? हाँ मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, यस आई एम प्लेइंग क्रिकेट। नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ लेकिन मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। नो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट बट आई एम प्लेइंग फुटबॉल। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर जब हम सामने वाले व्यक्ति से सवाल कर रहे हैं तो आर के साथ कर रहे हैं, लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति आई में जब जवाब देता है तो एम का प्रयोग करते हैं। कहने मतलब है आई के साथ आपको एम का प्रयोग करना है, बाकी के साथ आपको बहुवचन में आर का प्रयोग करना है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर यू हटा के दे लगाना, जैसे आर दे कुकिंग फूड, क्या वे खाना पका रहे हैं? दे हटा के हाँ वे खाना पका रहे हैं, यस दे आर कुकिंग फूड। नहीं वे खाना नहीं पका रहे हैं, नो दे आरंट कुकिंग फूड बट दे आर मेकिंग अ रोटी। नहीं वे खाना नहीं पका रहे हैं लेकिन वे रोटी बना रहे हैं। आरंट दे कुकिंग फूड, क्या वे खाना नहीं पका रहे हैं। उसी प्रकार दे हटा के आप वी में सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम एक वचन के बारे में बात कर रहे हैं तो सहायक क्रिया इस का प्रयोग करना है, तो आपको बात कुछ इस प्रकार करना है, इज ही वॉकिंग, क्या वह चल रहा है? तो आपने देखा इज लगाया हमने, उसके बाद सब्जेक्ट ही लगाया और क्रिया में आई एन जी लगाया जो कि वॉक प्लस आई एन जी हो गया। हाँ वह चल रहा है, यस ही इज वॉकिंग। नहीं वह नहीं चल रहा है लेकिन वह दौड़ रहा है। नो ही इजेंट वॉकिंग बट ही इज रनिंग, क्या वह नहीं चल रहा है? इजेंट ही वॉकिंग। उसी प्रकार ही हटा के आपको शी करना है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला आप लिखें, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। उदाहरण के रूप में आई एम प्लेइंग, दे आर कुकिंग, ही इज वॉकिंग। आइए दोस्तों हम लोग तीसरे पड़ाव में चलते हैं जो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको उस स्थिति में आपको इस्तेमाल करना है जब कोई भी क्रिया कुछ समय पूर्व घटित हुई हो और वर्तमान में उसका असर हो रहा हो। जैसे हम कहते हैं क्या तुमने खाया, क्या तुमने पिया, क्या तुमने देखा, क्या तुम सोए। यहाँ पर आखिरी में क्या मात्रा आ रही है? आ की मात्रा आ रही है। जब भी आप आ की मात्रा प्रयोग करते हैं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको खास बात ध्यान रखना है, सहायक क्रिया हैव और हैज का आपको प्रयोग करना है। बहुवचन में फिर से आपको हैव का प्रयोग करना है, और अगर एक वचन के बारे में बात हो रही हो तो आपको हैव का प्रयोग करना है। हैव या हैज के तुरंत बाद आपको क्रिया का जो है तीसरा रूप प्रयोग करना है। जैसे आपको सवाल करना है हैव दे प्लेड क्रिकेट, क्या उन्होंने क्रिकेट खेला? तो यहाँ पर प्लेड में जो है क्रिया का थर्ड फॉर्म हमने लगाया है और यू के साथ हमने हैव का प्रयोग किया है। आपको जवाब मिलता है यस दे हैव प्लेड क्रिकेट, हाँ उन्होंने क्रिकेट खेला। नो दे हैवन्ट प्लेड क्रिकेट बट दे हैव प्लेड फुटबॉल, नहीं उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला लेकिन उन्होंने फुटबॉल खेला। हैवन्ट क्या है? हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैवन्ट के रूप में आता है। और चौथा आप सवाल करते हैं नकारात्मक रूप में, हैवन्ट दे प्ले क्रिकेट, क्या उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला? तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर यू हटा के वी लगाना है, वी हटा के आपको फिर से दे लगाना है, और यहाँ पर आपका यहाँ पर बाकी फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा। लेकिन जब हम एक वचन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब तीसरे व्यक्ति ही के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करना है। हैज ही कुक्ड फूड, क्या उसने खाना पकाया? यस ही हैज कुक्ड फूड, हाँ उसने खाना पकाया। नो ही हैजंट कुक्ड फूड बट ही हैज मेड अ रोटी, नहीं उसने खाना नहीं पकाया लेकिन उसने रोटी बनाया। हैजंट ही कुक्ड फूड, क्या उसने खाना नहीं पकाया। तो इसमें आपने देखा कि मैं और आप तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो कि लड़का है, इसलिए हमने ही का प्रयोग किया। लेकिन क्योंकि एक वचन है इसलिए हमने हैज का प्रयोग किया और क्रिया का थर्ड रूप हमने फिर से इस्तेमाल किया। उसी प्रकार आपको यहाँ पर ही हटा के आप शी लगा सकते हैं, शी हटा के किसी व्यक्ति का नाम राम या सीता, भाई बहन, अंकल आंट, वहाँ आप लगा सकते हैं, और इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फॉर्मूला आप लिख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म डेट इज वी थ्री। यह काल आपको तब इस्तेमाल करना है जब कोई क्रिया कुछ समय पूर्व में घटित हो चुकी होती है और थोड़ा हिस्सा और गतिशील क्रिया में हो रहा होता है, तभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। यहाँ पर आपको सहायक क्रिया फिर से हैव और हैज का प्रयोग करना है, साथ में आपको एक और सहायक क्रिया बीन, इसका स्पेलिंग है बी डबल ई एन का प्रयोग करना है, साथ में आपको
क्रिया प्लस उसमें आईएनजी लगाना है और साथ में आपको फिर से टाइम और ड्यूरेशन बताना है। टाइम और ड्यूरेशन मैं आपको पहले यहाँ समझाना चाहूँगा। यहाँ पर टाइम और ड्यूरेशन को दो भागों में बांटा गया है, एक कहलाता है पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा कहलाता है पीरियड ऑफ टाइम। पहले मैं आपको पॉइंट ऑफ टाइम समझाता हूँ। यहाँ जब भी आप कोई निश्चित समय के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ टाइम का इस्तेमाल करना है, जैसे शाम 5 बजे से, सन 1958 से, सोमवार से, सुबह से। ये चारों उदाहरण में आपको क्या समझ रहे हैं आप कि निश्चित समय को हम लोग यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। और दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम, जब आप कहते हैं 4 घंटे से, 4 साल से, 4 दिन से, 5 महीने से, जब इस प्रकार आप बात करते हैं यह कहलाता है पीरियड ऑफ टाइम। अब जब आप पॉइंट ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ध्यान रखना है सिंस का प्रयोग करना है। जब आप वहाँ पर बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम तो आपको वहाँ फॉर का प्रयोग करना है। जैसे आपको यूज़ करना है सिंस 1958, सिंस 5 PM, सिंस मॉर्निंग। उसी प्रकार जब आप बात करते हैं 4 घंटों से, फॉर 4 आवर्स, आपको यूज़ करना है फॉर 5 डेज, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 मंथ्स। दोस्तों आओ इसको और हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। जब भी आपको सवाल करना है, सवाल कुछ इस प्रकार हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे आप। हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स, क्या तुम 4 घंटे से क्रिकेट खेलते आ रहे हो। हमने यहाँ क्या किया, 4 घंटे से करके हमने फॉर का प्रयोग किया, यू के साथ यू है इसलिए हमने हैव का प्रयोग किया, हैव के साथ आपको बीन लगाना है, आपको ध्यान रखना है। आपको जवाब मिलता है यस आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स, हाँ मैं 4 घंटे से क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ। नो आई हैवंट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स बट आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 आवर्स, नहीं मैं 4 घंटे से क्रिकेट नहीं खेलता आ रहा हूँ लेकिन मैं 5 घंटे से क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ। और चौथा, हैवंट आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स, क्या मैं 4 घंटे से क्रिकेट नहीं खेलता आ रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर देखा कि सारे क्रियाओं को अगर अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे तरीके से आप बोल सकते हैं। आपको यहाँ पर आई हटा के, यू हटा के सिर्फ वी लगाना है और दे लगाना है और पूरा फॉर्मूला यहाँ पर सेम जाता है। वहीं जब हम एक वचन व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो आपको हैज लगाना है, जैसे हैज शी बीन कुकिंग फूड फॉर 4 आवर्स, क्या वह 4 घंटे से खाना पकाती आ रही है। यस शी हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 4 आवर्स, हाँ वह 4 घंटे से खाना पकाती आ रही है। नो शी हैजंट बीन कुकिंग फूड फॉर 4 आवर्स बट शी हैज बीन मेकिंग अ रोटी फॉर 3 आवर्स, नहीं वह 4 घंटे से खाना नहीं पकाती आ रही है लेकिन वह 3 घंटे से रोटी बनाती आ रही है। Hasn't she been cooking food for 4 hours? क्या वह 4 घंटे से खाना नहीं बनाती आ रही है। आपको यहाँ पर she हटा के ही लगाना है, ही हटा के राम, सीता, ब्रदर, सिस्टर आप लगा सकते हैं और पूरा फॉर्मूला इसी प्रकार जाएगा। ये तो हुआ फॉर का, लेकिन अगर आपको सिंस प्रयोग करना है तो आपको कहना है Has he been playing cricket since 5 PM? क्या वह शाम 5 बजे से क्रिकेट खेलता आ रहा है ना, कितना आसान। तो दोस्तों फॉर्मूला नोट करें आप लोग, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन, बी डबल ई एन बीन, प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस टाइम, ब्रैकेट में आप लिखें सिंस फॉर 5 आवर्स 5 PM।